हेलो डियर गेट एस्पिरेंट्स, मुझे इस बात की पूर्ण उम्मीद है कि आपकी गेट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल की चल रही होगी। ढेर सारे सब्जेक्ट्स आपने फिनिश कर लिए होंगे और अगस्त और सितंबर के लिए प्लानिंग कर ली होगी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की। मुझे ये भी पता है कि आप सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज़ में आप एंटर कर पाएँ, टेस्ट सीरीज़ दे लें ताकि एग्जामिनेशन से पहले ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकें। वो सारी प्लानिंग फ्लोटिंग आपकी हो चुकी होगी और एक सच्चा अच्छा गेट एक्सपीरियंस ये कर चुका होगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन जारी हो गया। आफ्टर 5 ईयर्स 2019 के बाद 2024 में अप्रोक्सीमेटली 8,000 वैकेंसीज के साथ आरआरबी जेई की एग्जामिनेशन होने वाली है, जिसका कि फॉर्म आज आपसे अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए, और 29 अगस्त तक उसकी वैलिडिटी है, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। अब इन सारी चीज़ों ने, ये जो 8,000 वैकेंसीज आई हैं, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं डायलेमा क्रिएट किया होगा। और हम जो अभी स्टूडेंट्स के ज़्यादातर क्वेश्चन फेस कर रहे हैं वो यही है कि सर, हम आरआरबी जेई के एग्जामिनेशन को कैसे मैनेज करें। कुछ ऐसे भी हैं कि सर देना चाहिए या नहीं। देखो बच्चे, इसका जो परफेक्ट आंसर एक टीचर दे सकता है वो ये है कि ये एक इंडिविजुअल चॉइस का क्वेश्चन। यदि आप गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी गेट की सारी तैयारियां बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और आप आरआरबी जेई का एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं, तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि क्या आप गेट की प्रिपरेशन से डाइवर्ट तो नहीं होंगे, क्या आरआरबी जेई को देना आपकी गेट की प्रिपरेशन को हैम्पर तो नहीं करेगा, क्योंकि सिलेबस मैच नहीं करते। एक यदि ए है तो दूसरा बी है। आपको पता है कि आरआरबी जेई के सिलेबस में मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के साथ जनरल साइंस इंक्लूडेड है। इसका आपके गेट के सिलेबस से कोई लेना देना है ही नहीं। पैटर्न अलग है। यदि आप आरआरबी जेई को लिखना चाहते हो तो आपकी गेट की स्टाइल में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आपको आरआरबी जेई के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, राइट ना। फिर उसमें CBT 1 है, CBT 2 है, उसके बाद प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि यदि आप गेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हेम्पर तो आएगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लिखना है, नहीं लिखना है, कम्प्लीटली आरआरबी जेई में शिफ्ट हो जाना है, कम्प्लीटली गेट में शिफ्ट होना है। तो एक ज़्यादातर सिनारियो जो बन के आ रहा है वो ये कि हम गेट तो लिखेंगे ही, साथ में आरआरबी जेई लिखेंगे। बिल्कुल, आपको उस आप लिखें उसी हिसाब से प्लानिंग कर लें। इसलिए मैं बोला ये इंडिविजुअल चॉइस का क्वेश्चन है, आप गेट एग्जामिनेशन दें। मैं बोला शुरू में आपकी प्रिपरेशन बहुत ही मस्त चल रही होगी, सारी प्लानिंग आपने कर ली होगी, अब वहाँ पे आरआरबी जेई की वजह से हैम्पर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आप प्लान कर लें कि आरआरबी जेई एग्जामिनेशन को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी होगा ना यार कि फर्स्ट चॉइस मेरा गेट है, सेकेंड चॉइस मेरा आरआरबी जेई है, या फर्स्ट मेरा आरआरबी जेई है सेकेंड गेट। जो भी आपका फर्स्ट और सेकंड चॉइस है उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करें, ये हमारी राय है, बाकी जो आपका फैसला। क्योंकि आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद को प्लान करना है, आपकी गेट प्रिपरेशन भी चल रही है, तो एक प्रॉपर प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। विदाउट प्लानिंग कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बंदा दो नाव में सवार हो जाए, ना इस नाव के आनंद ले पा रहा है और ना इस नाव के आनंद ले पा रहा है। जब आनंद ही नहीं ले पा रहा है तो जो नाव को मंजिल तक पहुंचना है वो मंजिल को पहुंचने में गड़बड़ी ना हो जाए। तो इसीलिए प्लानिंग दुरुस्त होना चाहिए ना, घर के ना घाट के वाली सिचुएशन आपके सामने नहीं आनी चाहिए। सो मैं ये मानता हूँ कि इसका डिसीजन आप बेस्ट तरीके से ले पाएंगे, बजाय एक टीचर आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ, हम सारी सिचुएशन आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। यदि आप गेट प्रिपरेशन दिल से कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ आपको हेम्पर कर सकती है आरआरबी जेई, इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करके एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। अब मुझे ये भी उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में आप गेट का सब्जेक्ट सारे जितने बचे हैं फिनिश करके अक्टूबर से टेस्ट सीरीज में एंटर कर जाएंगे। बिल्कुल बिंदास कीजिएगा, जैसे भी मैनेज करना है आरआरबी जेई वो आपका इंडिविजुअल कॉल है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जो भी करें दुरुस्त करें, प्लानिंग के साथ करें, ताकि गेट एग्ज़ाम हैम्पर ना हो। अब जो भी डिसीजन लेंगे, हर एक डिसीजन के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट।